बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। इस बार उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बदायूं में आयोजित वीएचपी के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपने चार बच्चों के बयान को सही ठहराते हुए जो कुछ कहा वो बेहद शर्मनाक है। तो बड़े नेताओं पर साध्वी की अभद्र टिप्पणी, साध्वी प्राची की नफरत की बोली यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने और जहर उगला। इस आजम खान को कह रही हूं, तौफीक राजा को कह रही हूं, यहां से ये संदेश देना चाहती हूं, और यहां आबिद राजा को कहना चाहती, 1400 साल पहले तुम्हारे पुरखे राम थे तो हम तुम्हें न्योता दे रहे हैं। इनविटेशन साध्वी प्राची भेज रही है, आजम खान और साहिमाम को भेज रही है, और आबिद राजा को, तौफीक राजा को भेज रही है कि आओ, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, घर वापिस आ जाओ। साध्वी प्राची ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा। महात्मा गांधी ने वैसे कहा है तुम्हारे को एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा कर दो, लेकिन मैं कहा करती हूँ अगर तुम्हारे दूसरे गाल पे भी कोई थप्पड़ मार दे, महात्मा गांधी होते तो मैं पूछती तो महात्मा गांधी जी हम तीसरा गाल कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए नहीं, ये नहीं चाहिए, राष्ट्र प्रेमी पंथों को आह्वान करना चाहती हूँ जो हमारी गौ माता की तरफ आंख उठाए उसकी आंख निकाल करके दिखा दो। अपने चार बच्चों के पुराने बयान को सही ठहराने के साथ साथ साध्वी प्राची ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सम्मानित करने का ऐलान भी कर दिया। मैं निवेदन करना चाहती हूँ अगर इस जनसभा में किसी के 5, 6, 8, 10 बच्चे हैं तो वह मंच के पास आ जाए कार्यक्रम के बाद, मैंने उन्हें सम्मानित करना है। ये